मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड वेल. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिवियस सब्जेक्ट क्लास एंड आई एम योर रिवियस टीचर एंड दिस इज़ योर रिवियस बुक. ओके, सो एवरीवन जस्ट ब्रिंग योर रिवियस बुक बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर. वी हैव कम्प्लीटेड फोर्थ चैप्टर इन अवर प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 5. That is my family and me. Students, family is a very important play a very important role in our life, because family is with us in a happiness time or in a sad time. खुशी में भी family साथ होती है, और जब आप परेशान होते हो, sad होते हो, तो भी family आपके साथ होती है. So family plays a very important role. Okay, so starting the chapter. योर फर्स्ट नेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. आपका फर्स्ट नेम जो होता है वो दूसरों से अलग होता है. ऑलवेज रीना, मीना, राम, मोहन. ओके, योर सरनेम ऑल्सो कॉल्ड टाइटल ऑफ योर फैमिली नेम. जो आपका सरनेम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरती मिश्रा, तो जो आपका मिश्रा है सरनेम, वो आपको आपकी फैमिली से मिलता है, टाइटल होता है वो आपकी फैमिली का. ओके, इट बिलोंग्स टू योर होल फैमिली, जो कि आपकी पूरी होल फैमिली का होता है, किसी एक का नहीं, सबका वही होगा. ओके, दैट इज़ योर टाइटल नेम. अ फैमिली, चिल्ड्रन लीव विद योर ब्रदर, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स इन द हाउस. ओके, ब्रदर सिस्टर के साथ आप घर पे रहते हैं. ऑल दीज पीपल्स आर द फैमिली मेम्बर्स, ये सारे आपके फैमिली मेम्बर्स कहलाते हैं. ओके, द मेम्बर ऑफ फैमिली हेल्प एंड शेयर, दे लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. मेम्बर्स जो होते हैं आपस में फैमिली के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं. योर फादर एंड मदर वर्क टू अर्न मनी, जो मदर और फादर हैं आपके, आपकी फैमिली में अर्न करते हैं मनी, है ना, सो दैट यू विल परचेज गुड थिंग्स, क्लोथ्स, ईटिंग गुड फूड. ओके, they buy food, clothes and other things for you, hai na. Your parents celebrate your birthday, they takes you to movie or dinner. aapke parents aapka birthday bhi celebrate karte hain, aapko movie dikhane leke jaate hain, dinner karwate hain, they play with you, aapke sath play bhi karte hain, they teach you good things, aapko hamesha achhi cheeze sikhate hain. aapke parents kabhi wo galat baatein aapko nahi sikha sakte. they help you with your homework, when you all do the homework, your parents always help you, na. Either your mother or father, one will sit with you, na. आप या तो mother या तो father, कोई एक आपके साथ बैठता है जब आप homework करते हो. They look after you when you are sick, जब आप बीमार होते हो, वो आपकी care करते हैं, आपकी सेवा करते हैं. In some homes, grandparents also live with their parents and children. विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो कुछ कुछ घर पे ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स पेरेंट. ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, मीन्स आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा जो होते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. दे आर ओल्ड एंड वाइज, दे लव यू, वो आपको बहुत लव करते हैं, है ना. नाउ आर यू अ ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, आप एक ग्रैंड डॉटर हो कि ग्रैंड सन हो, वो आपको यहाँ पे फिल करना है पेंसिल से. इफ़ यू आर अ गर्ल, राइट डाउन ग्रैंड डॉटर ओवर हियर. अगर आप बॉय हो तो आपको यहाँ पे ग्रैंड सन लिखना है. ओके, डू इट विद योर पेंसिल. यू प्ले विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, यू शेयर योर टॉयज एंड ट्रीट विद देम. आप अपने जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनके साथ प्ले करते हो, खेलते हो, है ना, और अपनी चीज़ें शेयर करते हो. यू एन्जॉय एंड हैव फन विद देम, आप बहुत एन्जॉय करते हो उनके साथ और आपको बहुत मज़ा भी आता है. टाइप्स ऑफ फैमिली, स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज बेसिकली. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली. ओके, दैट इज़ वन, फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड वन इज़ जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में. सी देयर आर हियर देयर इज़ टू कार, वन इज़ ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, सेकेंड इज़ ऑफ जॉइंट फैमिली. एक न्यूक्लियर फैमिली की कार है और एक जॉइंट फैमिली की कार है. ओके, सो अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, फैमिली छोटी और बड़ी कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की. अ फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड पेरेंट्स
लिव विद देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे बस साथ में रहते हैं, उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. दैट मीन्स मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन. ओके, उस फैमिली को कौन सी फैमिली बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली. अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, चिल्ड्रन लिव टुगेदर, जिसमें ये सारे लोग साथ में रहते हैं. इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर आपके साथ रह रहे हैं तो भी आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली में आएगी. ओके, जिसमें ये सारे लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उनके बच्चे, ये सारे लोग साथ में रहते हैं, दैट फैमिली इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली. ओके, सो कमिंग टू पेज नंबर 29. स्टूडेंट्स जस्ट ब्रिंग योर पेंसिल विद यू एवरीवन. आई एम गोइंग टू शो यू दीज थिंग्स इन योर बुक. यू विल डू इट इन योर नोटबुक. ये आपको मैं बुक में शो कर रही हूँ, कॉपी में इसको आपको खुद से करना है. ओके, बुक में अभी आप करिए मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ, और फिर इसको देख के जैसे आप एक्सरसाइज कॉपी में करते हो, सेम एज इट इज़ यू विल डू इट इन योर नोटबुक. कॉपी में करनी है एक्सरसाइज चैप्टर 5 की. ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज द एल्डर इन द फैमिली अर्न्स मनी. जो फैमिली में सबसे बड़ा एल्डर होता है वो अर्न करता है मनी. यस, ट्रू. एल्डर्स जो होते हैं वही अर्न करते हैं, बच्चे थोड़ी जाते हैं अर्न करने मनी. तो दैट वन इज ट्रू. यू टीच योर पेरेंट्स गुड थिंग्स. यस, इट इज लिटिल बिट ट्रू कि आप अपने पेरेंट्स को कभी कभी अच्छी चीज़ें सिखाते हो, बट एवरी टाइम, मोस्टली टाइम, योर पेरेंट्स टीच यू गुड थिंग्स. तो दिस वन इज फॉल्स. ग्रैंड पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स पेरेंट. ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स के पेरेंट हैं. यस, ट्रू. न्यूक्लियर फैमिली इज अ लार्ज फैमिली. नो, न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. तो डैट वन इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज राइट योर फुल नेम. यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है. आई विल नॉट राइट दिस बिकॉज आई डिडंट राइट माई नेम. सो आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल राम मिश्रा, तो आपको यहाँ पे राम मिश्रा लिखना है, जिसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है. ओके, इन द सेकेंड, ये आपको बुक में भी करना है एंड इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एन्जॉय विद योर सिबलिंग्स. आप अपने भाई बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ कैसे एन्जॉय करते हो? सी, आई एन्जॉयड विद माई सिबलिंग्स बाय शेयरिंग टॉयज एंड ट्रीट विद देम. कैसे एन्जॉय करते हो? आई एन्जॉयड विद माई सिबलिंग्स बाय शेयरिंग, शेयर करके, टॉयज एंड ट्रीट विद देम. ओके, ठीक है. आई एन्जॉयड विद माई सिबलिंग्स बाई शेयरिंग टॉयज एंड ट्रीट विद देम. दिस आंसर यू विल राइट इन योर बुक फर्स्ट, देन आपको कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑल लिव टुगेदर इन अ ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन साथ में रहता है? एज यू ऑलरेडी लर्न इन हियर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, aunts and their children live together in a joint family. Same you have to write over here also. Parents, comma, grandparents, comma, uncle, comma lagana hai, aunts and children live together in joint family. Okay, this is your question answers. Now last one is question number C. Your school is organizing a grandparents meeting. मीट यू विल, वॉट यू विल डू, ड्रॉ हियर. आपके स्कूल ने ग्रैंड पेरेंट्स मीट एक प्लान की है, तो आप उस पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, दिस वन यू हैव टू डू ओनली इन द बुक. आपको सी नंबर का क्वेश्चन सिर्फ बुक में करना है, इसको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉइंग करनी है एंड कलर भी कर सकते हो आप. बट दीज टू क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो. कॉपी में भी करना है आपको ये दोनों क्वेश्चन. ओके, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी यू हैव टू डू इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, एंड क्लिक द पिक्चर ऑफ बुक एंड कॉपी बोथ, बुक और नोटबुक दोनों की फोटो क्लिक करके एंड मुझे ग्रुप में सबमिट करना है, सो दैट आई विल चेक इट. ओके,
सो ये आपको बुक में करना है, देन कॉपी में करना है, और प्रॉपर डेट का फॉर्मेट डालना है और लेसन लिखना है. जैसे मैंने डेट का फॉर्मेट सिखाया है वैसे डेट डालना है, लेसन लिखना है, लेसन नेम लिखना है, लेसन 5, लेसन का नेम, देन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज, और ए बी डाल के ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करने हैं. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. डू इट एंड क्लिक द पिक्चर एंड सबमिट मी इन द ग्रुप. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.